प्यार सेक्स धोखा दूल्हा बारात नहीं लाया, पुलिस सुन नहीं रही है। यह कहानी है बरेली के बारादरी थाने के मोहल्ला एजाज नगर गोटिया की एक युवती की। बरेली के थाना सीबी गंज के गांव डोली रघुदयाल के युवक से नैन लड़ गए। कहानी हदे होती हुई आगे बढ़ी और मर्यादा को लंघ गई। आरोप है कि गुदरी 7 जून को निकाह होना तय हुआ था, लेकिन युवक 7 तारीख को बारात लेकर नहीं आया। तब से युवती थाना बारादरी के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। आरोप है कि युवक के सहयोगी रसूख वाले लोग हैं और उन्होंने पुलिस पर केस ना लिखने के लिए कई तरह से दबाव बना रखा है। उधर मीडिया ने आरोपी से संपर्क करके उसका पक्ष सुनने की कोशिश की, तब देखा कि आरोपी परिवार के पुरुष घर के अंदर छुप गए और महिलाओं को सामने भेज दिया। आरोपी की मां ने पीड़िता के आरोपों को सिरे से ही खारिज करने की भरपूर कोशिश की। आरोपी की मां कभी कहती है कि मेरा बेटा पीड़िता को जानता तक नहीं, तो कभी कहती है कि पीड़िता रिश्तेदार है। बरेली से सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अरीना। कहां पर रहती हैं आप? मैं यहां रहती हूं पुराने शहर में। पुराने शहर में? हां, सबुज में। आज आप किस मामले में आई हुई यहां पर? यहां मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे आज 8 दिन हो गए यहां आते आते। किस विषय में? ऐसे मतलब मेरा किसी से मतलब प्रेम संबंध था, तो उन्हें सारे संबंध बना के मुझसे शादी नहीं कर रहा है, किसी और से करना चाह रहा है। वो कहाँ पर रहने वाले हैं? वो सीबीगंज थाना तिलपुरा पड़ता है। कहाँ क्या करते हैं? वो ये प्लाटिंग का भी काम करता है, जैसे घर बना के बेचता है, और कंपनी वगैरह होती है उसमें भी काम करता है। तो आप यहाँ पर थाने में आई, यहाँ के लोगों ने यहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रही है। मेरा मुकदमा लिख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लिख गया इन लोगों ने, पता नहीं क्या करा, पैसे दे दिए उनको, पता नहीं क्या लड़के वालों ने। हाँ, उनने मुझे बोला भी था कि तुम मेरे पैसे खर्च करवा दो। लड़के के पापा का नाम क्या है? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, आप क्या करती हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर कृष्णा बुटीक पे काम करती हूँ, सिलाई। ये लोग जो सामने खड़े हुए हैं, ये कौन है आपके? ये मेरे कोई नहीं है, मतलब कि गाँव के प्रधान है। ये उस गाँव के प्रधान है तिलपुरा के? हुए थे वो, भाग गए मुझे देख के, और उन्हें 7 तारीख को बोला भी था मैं तुमसे निकाह करूँगा दोपहर का टाइम, वो आया ही नहीं। यही 7 तारीख को निकाह करेंगे? आया ही नहीं। नाम जाहिद हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? एजाज नगर गोटिया के। ये आपकी बेटी हैं? ये है, मेरी बेटी है। तो जो 7 तारीख को आपके दामाद साहब ने कहा था कि मैं निकाह करने के लिए आऊँगा, तो आपका क्या इंतजाम था अपने घर पर? सर, यानी 5 आदमियों का और मेरे जो मेहमान थे रिश्तेदार, उनके मैंने इंतजाम किया था, ये लोग नहीं आए। अच्छा, आपने खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा था क्या? सर, जाहिर सी वाली बात, जब मेहमान घर पे आएंगे तो उनको कुछ यानी खाना तो खिलाना है, बाजू रहेगा, और बाकी जो मेहमान है उनको भी यानी करना है। और रुख्सती कब होती? मुझे से यानी 6 महीने के बाद में थी, और मुझसे दान दर्ज मांगा था, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, कार वगैरह, यानी ये लोग अंतरेगा में सारी शर्तें मंजूर की। अच्छा, मेरा नाम जमील। जमील, ये अलीना जो आई हैं यहाँ पर बारादरी थाने में अपना केस दर्ज कराने के लिए आई हैं, उनका ये आरोप है कि आप लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब को मुकदमा लिखने दे रहे हैं। इनका मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होने दे रहे हैं? रुक क्यों गया भाई, हम हमारा क्या मतलब है? आप कहाँ के रहने वाले? मैं धोली रखर दयाल। आप खाना कौन सा पड़ता है? वो उनके पापा के साथ में लेके आए थे बात करने के। किसके? लड़के लड़के वालों के साथ आए थे? हाँ, बात कर लो, लड़की बैठी है। तो लड़के वालों के साथ आए, तो लड़के वाला कहाँ है? वो तो इनको देख के चला गया। चला गया तो ऐसे लोग आपका जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको लेके आ रहे हैं बीच में, वो आपकी नहीं सुन रहे, तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे पहचान तो पूरा छोड़ना चाह रहे हैं, हमें क्या मतलब है उससे? ऐसे लोगों के साथ लेके आप? नहीं, हम नहीं देंगे, क्यों देंगे? नहीं, जब 7 तारीख को वो लड़का कह रहा था कि मैं इससे निकाह करूंगा, साहब के सामने बात ही हम नहीं, उस दिन हम लोग नहीं।